powered by Techno. यहाँ के एंटरप्रेनर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे आने चाहिए। राठी जी ने अच्छा रिपोर्ट किया और सब सरकार के भरोसे नहीं होता। मेरा तो मत है कोई भी पार्टी की सरकार हो, सरकार को दूर रखो। सरकार ये विषकन्या होती है, जिसके साथ जाती है उसको डुबाती है। ये आप इनके लफड़े में पड़ो मत, जो सब्सिडी लेना है ले लो, पर ये कोई कब मिलेगी कुछ मिलेगी कोई भरोसा नहीं होता। अभी मेरे लड़के ने मुझे परसों आपको 450 करोड़ सब्सिडी मिली है और पैसे जमा है टैक्स के, तो बोले कब मिलेगी। मैंने कहा भगवान से प्रार्थना कर, क्योंकि कोई भरोसा नहीं मिलेगी क्या, मिल सकती है। अब वो जब आएगी, अभी लाडली बहन योजना शुरू होगी तो सब्सिडी का पैसा उनको भी उस काम के लिए देना पड़ा, तो लटक गई। अभी बीच में टेक्सटाइल वालों की इंडस्ट्री बंद पड़ी, उनकी पावर की सब्सिडी नहीं मिली, फिर टेक्सटाइल वाले बंद होने के कगार पर थे। रोज मुझे लोग मिलते कि मैं ऐसी हालत में हूँ, कोई एनसीएलटी में जाना है, सब्सिडी नहीं मिली। तो प्रॉब्लम यही है कि हम हमारे भरोसे प्लान करें और प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक वायबिलिटी, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, मार्केटेबिलिटी ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट। यहाँ के एंटरप्रेनर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आगे आने चाहिए। राठी जी ने अच्छा रिपोर्ट किया और सब सरकार के भरोसे नहीं होता। मेरा तो मत है कोई भी पार्टी की सरकार हो, सरकार को दूर रखो। सरकार ये विषकन्या होती है, जिसके साथ जाती है उसको डुबाती है। ये आप इनके लफड़े में पड़ो मत, जो सब्सिडी लेना है ले लो, पर ये कोई कब मिलेगी कुछ मिलेगी कोई भरोसा नहीं होता। अभी मेरे लड़के ने मुझे परसों आपको 450 करोड़ सब्सिडी मिली है और पैसे जमा है टैक्स के, तो बोले कब मिलेगी। मैंने कहा भगवान से प्रार्थना कर, क्योंकि कोई भरोसा नहीं मिलेगी क्या, मिल सकती है। अब वो जब आएगी, अभी लाडली बहन योजना शुरू होगी तो सब्सिडी का पैसा उनको भी उस काम के लिए देना पड़ा, तो लटक गई। अभी बीच में टेक्सटाइल वालों की इंडस्ट्री बंद पड़ी, उनकी पावर की सब्सिडी नहीं मिली, फिर टेक्सटाइल वाले बंद होने के कगार पर थे। रोज मुझे लोग मिलते कि मैं ऐसी हालत में हूँ, कोई एनसीएलटी में जाना है, सब्सिडी नहीं मिली। तो प्रॉब्लम यही है कि हम हमारे भरोसे प्लान करें और प्रूवन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी। मिहान के साथ अब स्मार्ट सिटी के रूप में मिहान के आजू बाजू में डेवलपमेंट भी हो रही है। एक बात महत्वपूर्ण है कि हेल्थ सर्विसेज में, एजुकेशन में काफी बड़े प्रमाण पर इस 25-30 साल में हमने काम किया है। अभी इन्होंने जितनी समस्याएं बताई वो छोटी मोटी समस्या, जो सबसे प्रॉब्लमेटिक है वो ये है कि विदर्भ में कोई 500,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर की सबसे बड़ी कमी है। और इसके कारण हमारे यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं आते। हम लगातार कोशिश कर रहे कि कोई ना कोई मिले, पर वह हमारे यहाँ भी हाथ में लग नहीं रहे। परसों मेरे घर पर सज्जन जिंदल आए थे, आजकल उन्होंने वो MG हेक्टर कंपनी को टेक ओवर किया, तो मुझे बता रहे थे कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ी आप देखो एक बार हमने तैयार की है। तो आज उन्होंने मेरे घर पर वो लांगिया जी लेके आए थे, तो मैंने उनको कहा कि सब गाड़ी वगैरह देखता हूँ और पहले कुछ नागपुर में शुरू करी है। इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक ट्रक, ये फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट के महत्वपूर्ण आयाम है, पर अभी तक हमें ऐसा बड़ा यूनिट मिला नहीं है। बुटीबोरी भी MIDC एरिया में तो लगभग अभी काफ़ी यूनिट शुरू है, काफ़ी बंद है, और जो जमीन लेता है वो बेचता भी नहीं और नया यूनिट आता भी नहीं। जो मिहान बना है इसके लिए गोविंद को याद होगा कि गोविंद जी और विलास काले टाटा कंसल्टेंसी के, मैं मंत्री था उस समय महाराष्ट्र सरकार में, एक कंसल्टेंट इंजीनियर थे, उनका नाम भूल रहा हूँ मैं, हिम्बाड़कर या कुछ तो भी था। वो मेरे पास आया और उनने मुझे कहा कि नागपुर के ऊपर से रोज 350 फ्लाइट जाती है। तो मैंने उनको तुरंत कहा, दिखती तो नहीं है।
तो उन्होंने कहा ये साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया से, चाइना से लेकर जो यूरोपियन कंट्री और यूएसए तक जाती है वो नागपुर से जाती है, और इसलिए नागपुर में इंटरनेशनल कार्गो हब और पैसेंजर हब का निर्माण होना चाहिए, और वहीं से मिहान की शुरुआत हुई और इंटरनेशनल एयरपोर्ट और ये मिहान के बारे में फिर उस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ। तो बेसिकली ये जो मिहान और ये जो प्रोजेक्ट है इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, इसको उस समय के वेद के ऑफिस बेरर ने उसको उठाया और गोविंद और विलास ने विशेष रूप से, और दोनों के कारण आज ये प्रोजेक्ट बहुत अच्छी तरीके से सामने आया। अभी मिहान में 68,000 लोगों को रोजगार मिला है और आने वाले समय में लगभग हमारी सभी आईटी कंपनीज अब आई है। हमारे यहाँ 49 इंजीनियरिंग कॉलेजेस है और मिहान के साथ अब स्मार्ट सिटी के रूप में मिहान के आजू बाजू में डेवलपमेंट भी हो रही है। एक बात महत्वपूर्ण है कि हेल्थ सर्विसेज में, एजुकेशन में काफी बड़े प्रमाण पर इस 25-30 साल में हमने काम किया है। अभी इन्होंने जितनी समस्याएं बताई वो छोटी मोटी समस्या है, समस्या जो सबसे प्रॉब्लमेटिक है वो ये है कि विदर्भ में कोई 500,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर की सबसे बड़ी कमी है, और इसके कारण हमारे यहाँ बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं आते। हम लगातार कोशिश करें कि कोई ना कोई मिले, पर वो हमारे यहाँ भी हाथ में लग नहीं रहे। परसों मेरे घर पर सज्जन जिंदल आए थे, आजकल उन्होंने वो एमजी हेक्टर कंपनी को टेक ओवर किया, तो मुझे बता रहे थे कि वो इलेक्ट्रिक गाड़ी आप देखो एक बार हमने तैयार किया है। तो आज उन्होंने मेरे घर पर वो लांगिया जी लेके आए थे, तो मैंने उनको कहा कि सब गाड़ी वगैरह देखता हूँ और पहले कुछ नागपुर में शुरू करिए, इलेक्ट्रिक बस, इलेक्ट्रिक ट्रक, ये फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट के महत्वपूर्ण आयाम है, पर अभी तक हमें ऐसा बड़ा यूनिट मिला नहीं है। बुटीबोरी भी MIDC एरिया में तो लगभग अभी काफ़ी यूनिट शुरू है, काफ़ी बंद है, और जो जमीन लेता है वो बेचता भी नहीं और नया यूनिट आता भी नहीं। और मैंने बहुत बार कहा कि जिनको जो यूनिट 5 साल में नहीं शुरू करते उनकी जगह वापस ले लो, तो वो होता ही नहीं, क्योंकि स्वाभाविक से जो करता भी नहीं शुरू और एक तरफ लोगों को बोलते हमारे पास जगह नहीं। मिहान में भी ऐसे ही है, मिहान में जो लोग आते हैं उनको जो तुरंत निर्णय करना चाहिए होने में काफ़ी दिक्कत होती है, और जिसके कारण अब मिहान में भी रिंग रोड के टुवर्ड्स घुमगांव को पावर्ड बाई टेक्नो। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, काळजी तुमची, हित महाराष्ट्राचं।